गुड मॉर्निंग क्लास, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग की जीके की सीरीज में पिछली क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्क के बारे में देखा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज राष्ट्रीय पार्क के आगे का भाग देखते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में दो फेमस पार्क हैं, एक पहला नाम है भीतरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल। क्या नाम है? भीतरकनिका और सिमलीपाल, दोनों कहां हैं? उड़ीसा में। झारखंड, अगर झारखंड की बात करें तो बहुत ही फेमस पार्क है बेतला, बेतला राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा अगर बात करें तो बेतला के अलावा हजारीबाग और पलामू। लेकिन ज्यादातर अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेतला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेतला राष्ट्रीय पार्क साथ में हजारीबाग और पलामू राष्ट्रीय पार्क। बिहार की अगर बात करें, बिहार में जो सबसे फेमस है वो कौन सा है क्लास? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। हरियाणा, हरियाणा में कौन सा है? कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर और सुल्तानपुर। नागालैंड, इनटैंकी राष्ट्रीय पार्क। मिजोरम, मोरलेन राष्ट्रीय पार्क, मोरलेन, फोंगपुई और डामफा, ये टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है। तो पूछा जा सकता है डामफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर है मिजोरम में। बहुत इजी था। उड़ीसा, भीतरकनिका, सिमलीपाल, झारखंड बेतला, पलामू हजारीबाग, बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क, हरियाणा कलेसर सुल्तानपुर, नागालैंड इनटैंकी नेशनल पार्क, मिजोरम मोरलेन फोंगपुई और डामफा टाइगर रिजर्व। क्लास आगे बात करते हैं यूपी की। तो यूपी का आप जानते ही हैं दुधवा नेशनल पार्क, याद कर सकते हैं दूध का ज्यादा प्रोडक्शन यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क। चंद्रप्रभा, एक्चुअल में ये वन जीव अभ्यारण्य है, वन जीव अभ्यारण्य चंदौली में पड़ता है चंद्रप्रभा, तो ये वन जीव अभ्यारण्य जो कि यूपी में आपका है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट, एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है गिर, एशियाई शेर और ब्लैक बक। ध्यान रखना है क्लास, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और या गिर नेशनल पार्क भी कहते हैं और ब्लैक बक। आंध्र प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क फेमस है? पापीकोंडा। आंध्र प्रदेश में कौन सा क्लास? पापीकोंडा। तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है राष्ट्रीय पार्क। मुकुरथी। करियन सोला नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क और मुद्दुमलाई। दो अलग अलग है, मुद्दुमलाई और गुंडी नेशनल पार्क। तो इंदिरा गांधी तमिलनाडु से लौट रही थी तो उनकी मुलाकात गल्फ मैन से हुई, जो कि सफेद कुर्ता पहने हुए था, वो उनकी कार के पास आया और उसने गन से उन्हें शूट कर दिया और मुड़ के भी नहीं देखा। इंदिरा गांधी तमिलनाडु से लौट रही थी, उनकी मुलाकात गल्फ मैन से हुई जो कि कुर्ता पहने हुए था, वो उनकी कार के पास आया और गन से शूट कर दिया और मुड़ के भी नहीं देखा। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुरथी, करियनसोला, गुंडी नेशनल पार्क और मुद्दुमलाई। कर्नाटका की बात करें क्लास, आंसी नेशनल पार्क, आंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, पहला तितली उद्यान। ध्यान रखना है बनेरघट्टा। कुद्रेमुख, दांडेल नेशनल पार्क और नागरहोल। आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, दांडेल और नागरहोल। ट्रिक है अगर जानना चाहे तो, शिल्पा शेट्टी की टीम को आईपीएल में बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी के साथ डांडिया खेलने नागरहोल सिटी चले गए। शिल्पा शेट्टी की टीम को आईपीएल में बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से
मुकेश अंबानी बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी के साथ डांडिया खेलने नागर होल सिटी चले गए। आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरगट्टा, कुद्रेमुख, दांडेल और नागर होल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पिछले पार्ट में नहीं हो पाया था, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, नागर होल, नागालैंड, मिजोरम, यूपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। ओके क्लास, आज क्लास हम लोग उड़ीसा के नेशनल पार्क की बात करते हैं। उड़ीसा में दो फेमस नेशनल पार्क है, भितरकनिका और सिमलीपाल, जिसमें से सिमलीपाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्लास। सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा में। मेक अ बटर डिश, अगर हम ट्रिक समझते हैं, वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं है। मेक अ बटर डिश, डिश में उड़ीसा, बटर, भितरकनिका, तो दो हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती, कंगरघाटी। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कंगरघाटी, इसमें से इंद्रावती से क्वेश्चन किया जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय पार्क दंतेवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। दंतेवाड़ा काफी न्यूज में रहता है, नक्सल एरिया है दंतेवाड़ा, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो तीन पार्क, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कंगरघाटी। हिमाचल प्रदेश, खेरगंगा, सिंबलबारा, पिनवैली, इंदर किला। अब कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ अलग से, जैसे केवल राष्ट्रीय पार्क नहीं, वन जीव अभ्यारण्य भी है। सजनेखली वन जीव अभ्यारण्य, सजनेखली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। सोनाई रूपा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आसाम। मेलाघाट टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में पड़ता है या किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। धृगंधरा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर कौन से राज्य में है? क्लास ए, आंध्र प्रदेश। और अगर पूछा जाए सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का, राजस्थान। सरिस्का सबसे पहला अगर पूछा जाए तो सरिस्का। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप कहां पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। मन्नार की खाड़ी और मैरीन नेशनल पार्क, दो ये दो ऐसे राष्ट्रीय पार्क हैं जो सागरी उद्यान कहलाते हैं, सागरी पार्क। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ती है और मैरीन जो है वो गुजरात में। पहला राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि हमें मालूम है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्लस जिम कार्बेट, और जिम कार्बेट को किस नाम से भी जाना जाता है? हैली नेशनल पार्क। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, बहुत ही आसान, हेमिस कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा राष्ट्रीय पार्क और वन जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।